ही जो है तमाम छोटे मोटे केसेस में फंसता रहता है। कई आम इंसान जो है कई बारी उन पे ऐसे आरोप लग जाते हैं जिससे वो अपनी ताउम्र उलझता ही रहता है। मगर बॉलीवुड सितारे भी इन तमाम आरोपों के शिकार भी हुए हैं और केस भी लड़ते दिखाई देते हैं। सलमान का जिक्र करें तो कोर्ट कचहरी से उनका नाता बेहद पुराना है। अब हाल ही में जिस एक शख्स का नाम सामने आ गया है इस ऐसी मामलों को लेकर, वो शख्स गुरदासपुर के सांसद यानी के सनी देओल हैं। आप सभी जानते हैं कि सनी पाजी की जो पर्सनालिटी है वो बेहद ही ज्यादा काम है। सनी पाजी ना तो ज्यादा किसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और ना ही वो ज्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव करते हैं। वो बेहद ही ज्यादा एक शाई पर्सनालिटी है और कहीं ना कहीं चीजों को वो अपने तरीके से ही लेकर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे में सनी पाजी एक पुराने 22 साल पुराने मामले में बरी हो गए हैं, जो देओल परिवार के लिए एक बेहद ही बड़ी गुड न्यूज है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। इस इंडस्ट्री में यूं तो तमाम मामले होते हैं, इस इंडस्ट्री में यूं तो तमाम चीजें होती हैं जो सुर्खियों का कारण बनी रहती है। अब हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे सनी पाजी जब चर्चा का कारण बने चुनावों की राजनीति पर उतरे, तब कहीं ना कहीं ये देखा गया कि सनी देओल ने तमाम जो है यहाँ पर जनता से वादे किए थे। 22 साल पुराना ये जो चेन पुलिंग मामला है सनी पे और करिश्मा कपूर पे था, उस मामले से अब ये दोनों बरी हो गए हैं। सनी पाजी कहीं ना कहीं अब ये देओल परिवार और खुद हेमा मालिनी भी अपने बेटे की बरी के बारे में सुन के खुश जरूर हुई होंगी। भले ही सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र, सनी देओल और हेमा मालिनी यानी कि हेमा और सनी के रिश्तों में खट्टास की खबरें आप पढ़ते होंगे, मगर कहा यह जाता है कि अगर ऑफ कैमरा बात की जाए तो ये परिवार एक ही है। भले ही ये परिवार रहता अलग अलग है, मगर मदद करने के मामले में मुश्किल में पूरा परिवार एक हो जाता है। तो ऐसे में 22 साल पुराने केस से बरी हुए सनी पाजी हेमा मालिनी भी खुश हुई होंगी। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड एक्टर और सांसद सनी देओल और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को शूटिंग के दौरान ट्रेन रोकने के 22 साल पुराने मामले पर बरी कर दिया। सनी और करिश्मा के वकील एके जैन ने शनिवार को बताया कि जयपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद दोनों कलाकारों को आरोप मुक्त कर दिया है। उन्होंने बताया है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने न्यायाधीश पवन कुमार ने दोनों कलाकारों की ओर से पेश अर्जी की सुनवाई के बाद उन्हें बरी किया।
अर्जी में सनी देओल और करिश्मा ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग मामले में रेलवे अदालत के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी थी। चेन पुलिंग की ये कथित घटना 1997 फिल्म बजरंग की शूटिंग के दौरान की है। इसमें सनी देओल और करिश्मा पर ट्रेन 2413A अपकमिंग एक्सप्रेस की चेन बिना वजह खींचने का आरोप लगाया गया था, जिस कारण ट्रेन 25 मिनट लेट हो गई थी। आपको बता दें कि सनी और करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने कहा है कि 2009 में दोनों कलाकारों के खिलाफ अरेंज आरोप पड़े गए थे, जिसे हम अप्रैल 2010 में सत्र अदालत में हमने चुनौती दी। सत्र अदालत ने 24 अप्रैल 2010 को आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को दोनों के खिलाफ आरोपों को देखते हुए उन्हें फिर से आरोपी बना दिया। उन्होंने कहा कि हमने रेलवे अदालत के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है, क्योंकि उन्हें तो पहले ही आरोपों से बरी किया जा चुका है। इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर के अलावा स्टंट मैन टूनू वर्मा और सतीश शाह पर भी आरोप था, लेकिन उन्होंने तब इन आरोपों को सत्र अदालत में चुनौती नहीं दी थी। रैना के तत्कालीन सहायकर स्टेशन मास्टर सीताराम मलाकार ने इस बारे में रेलवे पुलिस से एक शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि ये देओल परिवार के लिए और कपूर परिवार के लिए एक बेहद ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको बता दें कि देओल परिवार यकीनन ही अपने बेटे की बरी के बारे में जान के काफ़ी ज़्यादा ही खुश होंगे। यकीनन ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देओल परिवार में यहाँ पर साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि देओल परिवार का हर एक सदस्य भले ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि यहाँ पर देओल परिवार में हेमा मालिनी का जिक्र किया जाए या फिर जिक्र किया जाए उन्हीं के ही सौतेले बेटे सनी देओल का, तो उनके रिश्ते सही नहीं हैं, मगर ये महज एक झूठी बातें हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑफ कैमरा ये तमाम बातें कही जाती हैं, ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो हैं देओल परिवार एक ही है। भले ही कितने भी क्लैशेस उस परिवार में क्यों ना हो, यकीनन ही ये गुड न्यूज़ सुन के हेमा और धर्मेंद्र खुशी से ज़रूर झूमेंगे। देखा आपने कि आखिरकार सनी फाजी की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि 22 साल पुराने केस से वो बरी हो गए। अब ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉलीवुड एक्टर्स पर कहीं ना कहीं तमाम गंभीर आरोप लगते हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो गंभीर आरोप हैं वो ये भी होते हैं कि ये जो एक्टर्स हैं वो कई बार ही कुछ ऐसा धोखाधड़ी कर देते हैं जो उन्हें मुसीबत में फंसा देता है। पूरा मामला आपने जाना, आखिरकार ये 22 साल पुराना मामला था क्या, मगर फैंस के लिए भी ये गुड न्यूज़ है, देओल परिवार के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि सनी पाजी को 22 साल पुराने मामले से बरी कर दिया गया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।